झूठा तो सवाल नंबर 10, वो कहते हैं जी कुस्तुंतुनिया वाली बिशारत वो यजीद पर फिट होती है, तो लिहाजा यजीद तो जनती है। वो कहते हैं जी ये देखो सही बुखारी में है नहीं 29 नंबर 2924 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसे रोम के शहर पर हमला करेगा उसकी मगफरत कर दी गई है कि वो जन्नती है। तो ये कैसे रोम का शहर है, नबी सल्लम के दौर में वो हिम्स था, तो उसके बाद जो है ना वो जब मुसलमानों की फौजी मादा पहुंच गई तो वो बागा कुस्तुंतुनिया चले गए, तो लिहाजा कुस्तुंतुनिया में शुरू हो गया। तो कहते हैं कि नबी सल्लम ने कहा जो पहला लश्कर जो मेरी उम्र का पहला लश्कर जो कुस्तुंतुनिया पर हमला करेगा वो जो ना वो उसकी मगरमत हो चुकी है। तो सही बुखारी में आता है 1186 नंबर के अमीर उस लश्कर का यजीद उस लश्कर का अमीर था और यजीद ने कुस्तुंतुनिया पर हमला किया, उसमें अबू यूब अंसारी मौजूद थे, फिर अबू यूब अंसारी की वफात हो गई अमीर के यानी कि लश्कर के दौरान। तो लिहाजा साबित हो गया कि यजीद ने कुस्तुंतुनिया पर हमला किया है। तो बुखारी में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लश्कर हमला करेगा वो जनती है, यजीद तो जनती है, कुस्तुंतुनिया पर फिट पे ऊपर फिट होती है। मैं नहीं मेरे भाई, क्योंकि ये इधर लिखा हुआ है मेरी उम्र का पहला लश्कर जो कुस्तुंतुनिया पर हमला करेगा उसी बख्शिश हो चुकी है। यजीद ने जो हमला किया वो पहला लश्कर नहीं था, ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं पहला लश्कर नहीं था, वो सातवां आठवां लश्कर था गालबन। पहला लश्कर हम बताते हैं आपको कौन सा था, ये भी खैर पहला तो नहीं है, अबू दाऊद में हदीस है 1225 का नंबर 2512। अब उमरान ताबीज कर आवी बयान करते हैं कि अब्दुलरहमान बिन खालिद बिन वलीद जो है वो उन्होंने एक लश्कर तैयार किया कुस्तुंतुनिया पर हमला करने के लिए। तो अब्दुलरहमान बिन खालिद बिन वलीद जो है वो खालिद बिन वलीद के बेटे थे, वो हमारे उस लश्कर के अमीर थे। तो हम यानी कि हमला करने के लिए गए कुस्तुंतुनिया के ऊपर, वहाँ अबू यूब अंसारी ने हमें कुरान की एक तफसीर समझाई, अबू यूब अंसारी ने कुरान की एक तफसीर समझाई और कहते हैं अबू यूब अंसारी मुसलसल कुस्तुंतुनिया पर जितने हमले होते रहे उनमें शरीक होते रहे, शरीक होते रहे, शरीक होते रहे, बिलाकर वो कुस्तुंतुनिया में एक हमले के दौरान फौत हो गए और उधर में ही दफन हो गए। आप देखें जो यजीद जिस लश्कर का अमीर था उसमें अबू यूब अंसारी फौत हुए हैं, फौत होने से पहले उन्होंने कितने जहाद किए पता नहीं, फौत होने से पहले वो खालिद बिन अब्दुलरहमान बिन खालिद बिन वलीद जिस लश्कर में थे उसमें वो जिंदा थे, तो जिसमें अबू यूब अंसारी जिंदा थे वो पहला लश्कर था और यजीद जिसमें वो अबू यूब अंसारी फौत हुए वो यजीद का लश्कर था वो दूसरा लश्कर था। अगर आप दो भी लश्कर माने तो यजीद का लश्कर दूसरा था जिसमें अबू यूब अंसारी फौत हुए हैं, जिसमें जिंदा थे वो अब्दुलरहमान बिन खालिद बिन वलीद का लश्कर था पहला, पर ये तो पाँच सातवां आठवां सात आठवां लश्कर था यजीद का। पर आप दो भी माने ना, अबू यूब अंसारी जिसमें जिंदा थे वो अब्दुलरहमान बिन खालिद बिन वलीद का लश्कर था और जिसमें फौत हुए वो दूसरा लश्कर था यजीद का जिसमें फौत हुए। तो लिहाजा यजीद के ऊपर ये बिशारत फिट होती नहीं, क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं जो पहला लश्कर कुस्तुंतुनिया पर हमला करेगा यानी कि कैसे रोम पर हमला करेगा उसी बख्शी कर दी गई है। तो पहला लश्कर अगर देखें दो भी माने, एक अब्दुलरहमान बिन खालिद बिन वलीद का एक यजीद का, तो जिसमें अबू यूब अंसारी जिंदा थे वो अब्दुलरहमान बिन खालिद बिन वलीद का लश्कर था पहला और जिसमें फौत हुए वो यजीद का लश्कर था दूसरा। तो लिहाजा यजीद के ऊपर ये शर्त फिट होती नहीं, वो तो पहले के ऊपर होती है अब्दुलरहमान बिन खालिद बिन वलीद, पर इससे पहले भी हमले हो चुके थे, ठीक है। तो इसी चीज़ से फिर इमाम ने तैमिया ने गलती खाई, मैंने हाजिर सुना में उन्होंने लिखा जी कि ये जो हदीस है कि यानी कि जो पहला लश्कर कुस्तुंतुनिया पर हमला करेगा उसकी बख्शी कर दी गई है, लिहाजा यजीद ने जो हमला किया था वो इसी वजह से किया था इस बिशारत को आंसर करने के लिए। तो यजीद का लश्कर जो था वो पहला लश्कर था, इमाम ने तैमिया ने लिखा है मना जो सुना में, बस गलती लग गई उनको। तो लिहाजा इस वजह से यजीद से यानी कि जो भी गलत काम हुए जो उसने जुलम किए तो ये बिशारत उसके लिए है, तो लिहाजा हमें उसको बुरा कहना नहीं चाहिए। ये इमाम ने तैमिया लिख रहे हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुर्दे जो है वो मर जाए तो उनको बुरा मुला मत करो, लानत मत करो, वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं अपने अमाल के सबब। तो ये इसी तरीके को फिर इसी चीज़ को बुनियाद बनाया डॉक्टर ज़ाकिर नायक ने और बयान कर दिया और यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कह दिया और इस तरह फिर उनकी तब्लीग को नुकसान हुआ, पूरी दुनिया ने लानत की डॉक्टर ज़ाकिर नायक के ऊपर इस यजीद के हवाले से। उन्होंने धोखा खाया इमाम ने तैमिया से, इमाम ने तैमिया ने कह दिया कि पहला लश्कर यजीद का था जिसने हमला किया और वो जन्नत का हकदार ठहरा, जन्नती लश्कर उसका, जबकि मैंने साबित किया कि वो पहला लश्कर नहीं था यजीद वाला, वो दूसरा था। अगर दो भी माने, पहला लश्कर वो था जिसमें अबू यूब अंसारी जिंदा थे वो अब्दुलरहमान बिन खालिद बिन वलीद का लश्कर था, दूसरा लश्कर था यजीद का जिसमें वो फौत हुई, अगर आप दो भी मानते हैं। तो लिहाजा इमाम ने तैमिया ने भी गलती खाई इधर और खुआरी कमाई और ये डाटा दाकर ने इमाम ने तैमिया को फॉलो किया और पूरी दुनिया से लानते कमाई, ठीक है। वो फतह तो खैर ये फिर साहबा से नहीं हुआ, ताबीन से नहीं हुआ, ये तो फतह हुआ है अतुल की जो सातवीं
अतुल के इलाज में से सातवां सुल्तान था ना सुल्तान फातेह, उसे ये फतह किया था। यह भी नौ सदी हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 900 साल बाद 19 मई 1453 में ये फतह हुआ। तो फतह करने वाले की कोई बिशारत नहीं है। ये जो है ना मुस्लिम अमी अहमद में 19162 बशीर के रावी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुस्तुंतुनिया को फतह करेगा उसका अमीर बहुत ही खूब होगा। ये रिवायत ज़ईफ़ है, ये संदन से साबित नहीं है। तो बशारत उसके लिए थी जो पहला लश्कर हमला करेगा। तो पहला यजीद का लश्कर नहीं था, इमाम ने तैमिया ने गलती खाई। पहला लश्कर अब्दुलरहमान बिन खालिद बिन वलीद का था, अगर आप दो भी माने, ठीक है ना। तो मैंने कहा था यजीद जो जंदी ने जो जन्मी है वो अल्लाह और उसके बंदे का मामला है, लेकिन आप झूठी शारत तो ना फिट करें यजीद के ऊपर जन्नत वाली।